दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। 18 जून बड़ा रविवार, पितरों को मोक्ष देने वाली आषाढ़ अमावस्या। कुत्ते को खिला दें ये एक चीज, होगा सभी दुश्मनों का नाश, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ही पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन धर्म कर्म दान और पितरों का तर्पण करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताए गए एक आसान से उपाय को करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बताए गए हैं कि अमावस्या पर अगर आप ये उपाय कर लें तो जन्मों जन्मों के पितृ दोष तो दूर होते हैं, साथ ही सभी दुश्मनों का हो जाता है नाश। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान दान श्राद्ध तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है उन पर भगवान श्री हर विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। पुराणों में ऐसा कहा गया कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह आषाढ़ अमावस्या धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस आषाढ़ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों की मोक्ष की कामना के लिए व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि का कार्य किए जाते हैं उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं वो सभी पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताए गए एक बहुत ही आसान सा असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से होगा सभी दुश्मनों का नाश, मिलेगी सभी बड़े संकट और कष्टों से मुक्ति। इस उपाय को हम सभी अपने यानी कि घर में आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, पितृदोष की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी काम अगर नहीं बन रहा तो वो काम बनेगा। अन्य अमावस्याओं की तुलना में आषाढ़ अमावस्या का विशेष पुण्य होता है और ये विशेष फलदायी होती है। इस बार यह आषाढ़ अमावस्या 18 जून दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन कई सारे महाशुभ शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, कई ग्रहों की युति के कारण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस उपाय को करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, दुश्मन नुकसान पहुँचाना बंद करते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। कार्य में आ रही रुकावटें दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएँ। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात आप भगवान श्री यानी कि
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को आप तिलक करें, फिर शनिदेव की भी पूजा जरूर करें, फिर फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ घी का भी भोग लगा सकते हैं। फिर एक कटोरी में थोड़े से काले तिल लें और मंदिर में रख दें। फिर भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण और पितृदेव और शनिदेव को समर्पित है। शास्त्रों में पितरों के देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी कहे गए हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना अति आवश्यक है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। दोस्तों, इस तरह से पूजन करने के पश्चात अगर आप शनिदेव से पीड़ित है तो आप शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। इस दिन पितरों को मुक्ति दिलाने की कामना करें और फिर आप एक रोटी तैयार करें। आपको एक मीठी रोटी बनानी है, इसके लिए आप शुद्ध जल से आटा मड़ें और आटा मड़ते समय ही आटे में आप गुड़ डाल लें और फिर इसकी एक रोटी तैयार कर लें। जब आटे में आप गुड़ डाल लेंगे तो ये मीठी रोटी हो जाएगी और रोटी तैयार करने के बाद फिर इसे पूजा स्थान पर किसी एक पात्र में रख दें। फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल आप चुपड़ दें। सरसों का तेल चुपड़ के फिर आप इसमें थोड़े से काले तिल लगा लें। काले तिल लगाने के बाद फिर आप अगर आप चाहें तो ऊपर से भी थोड़े से काला वाला अगर गुड़ मिल जाए तो उसको भी थोड़ा सा रख कर और ले जाकर आप कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो कुत्ते गाय और कौवे के रूप में ही आते हैं इस पृथ्वी पर, इसलिए इस रोटी को ले जाकर आप अपने दाहिने हाथ से कुत्ते को खिला दें और खिला करके फिर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें 11 बार और फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें और पितृदेव प्रसन्न हो ऐसा जरूर बोलिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सभी संकट दूर होंगे। कोई भी मनोकामना हो, बड़े से बड़े दुश्मनों को भी शांत करना चाहते हैं तो सभी दुश्मनों का हो जाएगा नाश, बस ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस रोटी को खिलाने के बाद फिर आप वापस आइए। दोस्तों, बता दें कि अमावस्या के दिन कुत्ते को घर की सबसे लास्ट वाली रोटी जरूर खिला देनी चाहिए। आपके घर में जो खाना बना है और सबसे लास्ट की जो रोटी बने वो कुत्ते के लिए ही निकाली जाती है, इसलिए कुत्ते को ये लास्ट की रोटी जरूर आप खिला दें। क्योंकि दोस्तों, आवश्यक दिन अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन पर्यंत जो भी कष्ट हैं, जितनी भी बड़ी परेशानी है, सभी से मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार तेजी से चलेगा, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। साधारण सा उपाय अगर कहें तो एक और करें, इस दिन आप थोड़ा सा यानी कि गुड़ ले लें, काला वाला गुड़ मिल जाए और इस रोटी में रख लें। थोड़ा सा सरसों का तेल आप डाल के और थोड़े से काले तिल आप रख के जरूर खिला दें कुत्ते को। या फिर आप रोटी एक तैयार करके एक रोटी ले लें और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ के काला तिल सिर्फ इतना ही आप इसमें डालकर कुत्ते को खिला दें तो आपके पितृदेव तो प्रसन्न होंगे, सभी दुश्मनों का हो जाएगा नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी, मृत्युदंड, पितृदोष भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन कुत्ते को सिर्फ रोटी खिला देने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन आप कुत्ते को अपने द्वार से भगाए ना, बल्कि अगर आपके घर के पास पास कुत्ते आ गए हैं तो उन्हें भोजन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। जो भी आपके घर में भोजन बना है, सभी भोजन आप थोड़ा करके कुत्ते को जरूर खिलाएं, क्योंकि जो आपके घर पर आए हैं वो पितृदेव के रूप में आपके पितृदेव आए हैं, इसलिए उन्हें पितृ समझ कर उनका अनादर ना करें और उन्हें भगाएं ना, बल्कि उन्हें अपने घर की रोटी जरूर खिलाएं, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी होंगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव।